मैं आपके साथ एक प्यारी कहानी लेके आया हूं। एक्सेलेंस या एक्सक्यूज, जीवन में आपके पास दो मौके आते हैं, या तो आप एक्सक्यूज कर लो या अपने एक्सेलेंस दिखा दो, सर्वश्रेष्ठता। वॉल्टर नाम का एक लड़का था, कैलिफोर्निया में गरीब लड़का था। उसकी बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से एक नौकरी लगी। तो पहले दिन जाने लगा तो हिंदुस्तान में जैसे किसी गरीब के घर पे साइकिल होती है, तो अमेरिका में गरीब से गरीब घर के घर भी फोर्थ हैंडी से एक खटारा कार तो जरूर होती है। वो अपनी खटारा कार लेके निकला और कार उसकी जल गई। तो कार जल गई तो अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो एक्सक्यूज कर लेता, फोटो खींच के भेज देता कि सर मेरा पहला दिन था पर मेरी गाड़ी जल गई, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, दो पाँच दिन में ज्वाइन कर लूँगा, या अपनी एक्सेलेंस दिखाता कि नहीं मैं जाके देखूँगा। तो उसने क्या किया, वो गाड़ी वहीं छोड़ दी और पैदल चल पड़ा 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर रात का टाइम था, तो अपने वो अनजान लोग वहाँ कोई रुकते नहीं है। वो चलते 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 वो जब सुबह होने को आई तो पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आई। उनको वो संदिग्ध लगा तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्या हो। उनको विश्वास नहीं हुआ, वो थाने लेके गए, उसको वहाँ बिठाया, और फिर जब उसकी स्टोरी पे उनको जब रिलायबिलिटी आ गई तो उन्होंने बोला चलो मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। बोलो इसने बोला सर मुझे जाने दीजिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए। वो वहाँ से निकल पड़ा और एक दो घंटा चला, जितने में जिस पुलिस वाले की ड्यूटी पूरी हो गई थी वो वापस उसको रस्ते में मिला। उसको दया आ गई तो वो उसको लेके उस ऑफिस में पहुंचा। वो पुलिस वाला इतना इंटेलिजेंट था, वो उसको वहाँ छोड़ा और जाके उसकी बॉस से मिला। बोले आपने इतना बढ़िया, आपके यहाँ एक आज कर्मचारी आपको मिला है, मैंने जीवन में कोई कर्मचारी नहीं देखा जो अपनी नौकरी के पहले दिन अटेंड करने के लिए 32 किलोमीटर चल रहा हो, तो ऐसा आपको कर्मचारी मिला है। तो वो जो लेडी थी, लेडी बॉस, वो भी चकित रह गई कि ऐसा लड़का है। वो लड़के को वॉल्टर को ऊपर बुलाया गया और सब स्टाफ को इकट्ठा किया कि ये वॉल्टर नहीं विक्टर है, ये वॉल्टर नहीं विक्टर है, कि ये लड़का अपनी नौकरी के लिए 32 किलोमीटर पैदल चल के आया है। तो अपने को इसकी गाड़ी ठीक कराने के लिए, फंड राइजिंग के लिए फेसबुक पे अपने को पेज लगाना चाहिए। तो सब ने बोला एकदम करना ही चाहिए। किसी ने $50 दिया, किसी ने $100 दिया और वो फेसबुक पेज बनाया। ये बात उस कंपनी के सीईओ को मालूम पड़ी। सेकेंड डे वो सीईओ पर्सनली वहां आया और वो बोला कि यार ऐसा कौन लड़का है जो नौकरी के लिए 32 किलोमीटर पैदल चल के आया है। वो आए वहां पे, उसकी बातें सब सुनी और जाते जाते जैसे ही वो बाहर खड़े थे ना, उन्होंने अपनी एसयूवी कार की चाबी उसको दे दी कि ये मेरी पर्सनल कार है, तू रख। वो बोला कि वो तो गदगद हो गया, बोले ये क्या बात है। बोले देख, तुमने जो काम के प्रति जो समर्पण दिखाया ना, ऐसा बहुत कम, ये अपने को दिखाता है कि आज के युग में आप अच्छा काम करो, लोग, हजारों लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो पेज बना, पेज बनते ही उसमें जैसे ये बात ऑनलाइन में पूरी वायरल हुई, लोगों ने दुनिया भर के पैसे उसमें डालने चालू गए। लास्ट जब मैंने देखा था उसमें $92,000 थे, कल मैंने सुना कि उसमें $1,00,000 इकट्ठे हो गए। इस लड़के ने क्या किया मालूम है, इस लड़के ने उसमें घोषणा कर दी कि मैं एक गरीब बस्ती से आया हूं, मेरे जैसे गरीब बच्चों को ये लोग जो पढ़ाते हैं, और वो लोग अगर नहीं पढ़ाए तो सब क्रिमिनल बैकग्राउंड के हो जाएंगे। तो ये पूरा, मेरे को तो कार चाहिए थी, कार मिल गई, ये $1,00,000, $1,00,000 आज भी अमेरिका में भी कीमत रखता है। वो $1,00,000 पूरा का पूरा उसने, जो जिस स्कूल में उसने पढ़ा था उस स्कूल को दे दिया कि आप बच्चों को उनकी फीस मत लीजिए, उनको पढ़ाइए ताकि मेरे बच्चे आगे बन के दुनिया के सबसे बढ़िया जिम्मेदार नागरिक बने। ये देखिए, ये अपने को बताता है कि भलाई करनी बहुत जरूरी है। आप अगर भले बनते हैं और नियत के साफ है तो दुनिया आपका साथ देती है।